तो जरूर तलाक होनी चाहिए। अरे बाजी, आपने ये पढ़ा है? ऑल पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन ने एक इंडोर प्लांट कंपटीशन का एहतमाम किया और जीतने वाले को पूरे 5 लाख मिलेंगे। वाओ, रियली? और तुम्हें प्लांट्स के बारे में कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है? ऑब्वियसली है बाजी, आप मुझे नफरी समझती हैं। आपको पता है ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। वाह, तालियां है तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये नॉलेज है तुम्हारी। अब बाजी पूरी बात तो सुन ले, प्लांट्स जमीन में उगते हैं और कभी कभी आप उन्हें गमलों में भी उगा सकते हैं जैसे हमने उगाए हुए। क्योंकि मैं सारी जिंदगी समझती थी कि पौधे जो है वो मेरे सर के ऊपर उगते हैं। अब्बाजी वैसे अगर हमारे दादा के अब्बा जिंदा होते ना तो वो ये कंपटीशन जरूर विन कर लेते, क्योंकि सुना है उन्हें प्लांट्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन थी। ये कौन से दादा के अब्बा है? मुझे क्यों नहीं पता इस चीज के बारे में? मुझे क्यों नहीं कोई कुछ बताता है? अरे बाजी, उन्हें तो पौधों का बादशाह भी कहा जाता था। ये जो कंपटीशन वाले ना, इनके पास जाके हमें ये बात बतानी चाहिए कि हम पौधों के बादशाह की औलाद में से। हरगिज नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं तो लोगों को बताता हूँ कि हम बादशाहों की औलाद में से। आप क्या चाहती हैं, लोगों को पता चल जाए कि हमारे बुजुर्ग माली थे? कितनी बुरी बात है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात करते हुए। क्यों, माली इंसान नहीं होता? माली भी इंसान होता है। अच्छा, और वैसे वो तुमने सुना नहीं, वो कहते हैं कि अगर आप एक दरख्त लगाएंगे तो आप जन्नत में एक घर पाएंगे। सच बाजी? फिर हमारे दादा के अब्बा ने तो कई हजार दरख्त लगाए होंगे। हाँ, तो उनके तो जन्नत में बहुत ढेर सारे घर होंगे। अब मैं तुम्हें बताऊं कि अगर इस दुनिया में पौधे ना हो और फूल ना हो और दरख्त ना हो, ये दुनिया इतनी बदसूरत और इतनी अगली लगेगी। बाजी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तो मैं सबको जाके बताऊंगा कि मैं पौधों के बादशाह की औलाद में से हूँ। आई थिंक हमें इस कॉम्पिटिशन में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। अगर हमारे होते हुए किसी और ने ये कॉम्पिटिशन जीत लिया तो हमारे तो खानदान की नाक कट जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाजी। अब लू के बेकरी क्लासिक कुकीज का हर स्नैक पैक है ट्रे की सब। अब बात सुनना। सलामकुम। वालेकुम सलाम। आपने पौधों के बादशाह के नाम तो सुना होगा ना? सांपों के बादशाह का तो सुना है, ये पौधों का बादशाह कौन है? कमाल है भाई, तुम नर्सरी में काम करते हो और तुमने फूलों के बादशाह का नाम नहीं सुना होगा। वैसे पौधों का बादशाह गुलाब है। हमारे दादा के अब्बा का नाम गुलाब था ना? बाजी अगर ये कह रहे हो तो गुलाब ही होगा फिर। हाँ तो भाई सुन लो, हम लोग गुलाब के खानदान में से हैं। हाँ जी, तुमने ये सारे जो प्लांट्स रखे हुए हैं, तुम इनके बारे में क्या जानते हो? आप कौन से प्लांट के बारे में पूछना चाह रहे हैं? हमें आपसे पूछने की क्या जरूरत है, हमें तो खुद प्लांट्स के बारे में सब कुछ पता है। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाई हमने तो इसलिए बुलाया है कि अगर तुम्हें किसी प्लांट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम हमसे पूछ लो। अपने ही प्लांट्स के बारे में लोगों से हमने पूछना है, तो हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? ओह हाय, ये तो नाराज ही हो गया, आप क्या करें? करना क्या, कोई भी प्लांट खरीदे और चले। नहीं लेकिन हमें क्या पता कि कौन सा इंडोर प्लांट है जो कंपटीशन जिताएगा हमें। बाजी अब अंदाजे से ही लेना पड़ेगा ना। नहीं, मेरे ख्याल में इसी से पूछते। बात सुनना भाई, हमें ये वाला इंडोर प्लांट चाहिए। ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। तुमने हमें पागल समझा, तुम्हारे कहने का मतलब ये ना कि ये वो पौधा है जिसको धूप और हवा चाहिए होती है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अरे भाई आप फिक्र ना करें, हम अंदर इसे उसी जगह पे रखेंगे जहाँ धूप भी होगी और हवा भी। अगर आप मुझे खुल के बता दें, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। हमें तो भाई मदद की क्या जरूरत है, हम तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हमें प्लांट्स के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन तुम ये बताओ कि अगर तुमने कॉम्पिटिशन जीतना होता तो तुम कौन सा इंडो प्लांट लेके जाते? बिस्किट लेने के लिए भेजा था और तुम ये एक घंटे बाद कहाँ से आ रहे हो वापस? साहब जी, एक बार बिस्कुट लेने थोड़ी क्यों, मैं 5 बार गया हूँ जी। 5 बार क्यों? मैंने तुम्हें एक दफा भेजा था। आपने तो एक ही बार भेजा था, मैं अपने लिए 4 बार गया हूँ। क्यों गए हो 4 बार, क्या जरूरत थी 4 बार जाने की? साहब जी आपके लिए बिस्कुट लिए और मैंने सोचा चलो एक मैं भी चख लेता हूँ। बस वो चखते चखते जब मैं गेट पर पहुँचा तो सारे चखे गए थे जी। मैं फिर वापस गया, फिर चखते चखते सारे चखे गए। अब मैंने सोचा जितने बचे हैं आप इन्हीं पे गुजारा कर लें, मैं बार बार तो नहीं जा सकता ना। एक मेरे घर वाले अजूबे,
ऊपर से मेरे घर में काम करने वाले महाजूबे। साहब जी, ये अजूबा क्या होता है? दंडियां निकालने की जरूरत नहीं है, फजूल बातें मत करो, बताओ नूर कहाँ है? वो बहादुर साहब के साथ गई है। वक्त की आग से भर तू अपने पेट को। जी आपको पता है कंपटीशन जीतने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डिवोशन की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। और मेरे ख्याल में जब तक कंपटीशन नहीं हो जाता हम दुनिया का हर काम भूल जाए, अब पौधे ही हमारा ओढ़ना बिछाना होना चाहिए। तुम्हें पता है सिर्फ केले के दरख्त का पत्ता इतना बड़ा होता है जिसको बंदा ओढ़ के सो सकता है। बाजी मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, जब तक हम कंपटीशन जीत नहीं जाते ना, मेरे मुंह से सिर्फ फूलों की और पौधों की और ऐसी बातें निकलेंगी, बल्कि मेरे मुंह से सिर्फ फूल झड़ेंगे। जो बाहर से व्हाइट होता है अंदर से येलो होता है, मरी के पहाड़ों पे लगता है। याद है जब हम लोग हनीमून के ले गए थे तो बच्चों ने हमें उसके ताज बना के दिए थे जो तुमने पहना था, मैंने नहीं पहना था। मुझे फजूल बातें मत बताओ, मुझे इस बात का जवाब दो कि बगैर खाना पकाए तुम घर से इतनी देर से कहाँ गायब हो? भूख से मेरी जान निकल रही है। ओ कम ऑन ग्लैडियोला, क्या हो गया? सनफ्लावर और मैं जो है ना, सनफ्लावर मेरा भाई, हम दोनों जो थे ना जरा नर्सरी तक गए थे। तुम किसके पीछे लगी? तो आवारा आदमी है, इसके पीछे मत लगा करो तुम। ये मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो तुम? कैक्टस? कैक्टस? अब हाँ, कैक्टस हो के कैक्टस के बारे में नहीं पता। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसपे कांटे होते हैं और ये सहराओं और रेगिस्तानों में पाया जाता है। मैं बता, देखा होगा ना वो डेजर्ट के अंदर यूं करके, अगर तुम यूं करो अपने हाथों को तो वो यूं करके जो पौधे लगे होते हैं डेजर्ट के अंदर वो होता है। और प्लीज सनफ्लावर, इतना आग भगोना होने की जरूरत नहीं है सूरजमुखी की तरह। बाजी ये सूरजमुखी पीले रंग का होता है ना? हाँ पीला होता है बाहर से, सेंटर से ब्राउन होता है, उसके जो बीज होते हैं ना उनको सुखा के नमक लगा के पैकेट्स में बंद कर। मालियों के खानदान में फंस गया। तुमको कैसे पता चला कि हमारे जो दादा के अब्बा थे उनको पौधों का बादशाह कहते थे? मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे दादा को क्या कहते थे, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम दोनों पागलों के बादशाह हो। अच्छा बस पे इतनी देर से तुम्हें प्यार प्यार फूलों के नाम ले रही हो और तुम जो है ना बैंबू की तरह बढ़ते चढ़ते जा रहे हो। पौधा उठाओ, ये मुझे हाँ करके मत दिखाओ, मुझे दो मिनट में खाना चाहिए वरना मैं घर की सारी चीजें उठा के तोड़ दूंगा। ये लो चाय और ये मैंने तुम्हारे लिए फुल्का बना दिया, ये लो गरम गरम। खाना नहीं मिलेगा मुझे, खाना बनाने का टाइम नहीं था। तुम लोग जो मर्जी कर लो दोनों बहन, ये कंपटीशन तुम लोग हरगिज नहीं जीत सकते, ये मेरी बात लिख लो। क्यों हमें तुम जो है डिस्करेज कर रहे हो? ज़ुल्फ़ी तुमको हमको इनकरेज करना चाहिए। बात डिस्करेज करने की नहीं है, एक समझदारी की बात है कि पौधे फल फूल सब्जियां वगैरह ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, ये कह के दो चार दिन में बंदा उनको जानबूझ के मास्टर बन जाए। बाजी वो मेरा दोस्त है ना, उसका भाई बॉटनी का प्रोफेसर है, अगर आप कहें तो मैं उन्हें यहाँ पर बुला लेता हूँ, कॉम्पिटिशन होने तक डेली वो यहाँ पर आके हमें सिखाते रहेंगे। ऐसे में तुम दाद दिए बगैर नहीं रह सकता सलाहियत की, कि रोज नए से नया बड़े से बड़ा और हिमाकतों से भरपूर एक नया तमाशा कैसे सोच रहे हो तुम लोग? क्या प्रॉब्लम है ज़ुल्फ़ी, हमें करने दो जो हम करना चाहते हैं। ठीक है मेरे ख्याल से वैसे कौन सा तुम लोगों ने बात आ गया, जाओ खसमानू खाओ। हाँ ठीक है खा लेंगे हम खसमानू, वैसे खसम तो मैं हूं। अच्छा तुम ऐसे करो कि वो जो तुम्हारे फ्रेंड के जो भी भाई है प्रोफेसर है उनको बुला। अच्छा जी मैं आज ही बुला लूं। अंदर जाकर बताइए कि प्रोफेसर शमीम आए। किधर से आए हैं? इधर से आए हैं। इधर तो आप खड़े हैं, आए बाहर से हैं। ओ भाई मैं जहाँ से भी आया हूँ उन्होंने मुझे खुद बुलाया है। मैंने ये नहीं पूछा कि उन्होंने बुलाया या खुद आए हैं, मैंने ये पूछा कि किधर से आए हैं। देखो भाई मैं उनको फूल पौधे पढ़ाने आया हूँ। यार अजीब आदमी हो, मैंने तो सुना है कि वो उसको इंग्लिश पढ़ाने आया है, उर्दू पढ़ाने आया है, ये तो पहली बार सुना है कि फूल पौधे पढ़ाने आया है। ओ बेवकूफ आदमी, फूल पौधे भी पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। अच्छा तो मैं अभी एक पत्ता तोड़कर देता हूँ, उस पर मुझे लिख के दिखाओ। ओहो मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे मुंह लग रहा हूँ। आपकी बातों से पता चल गया कि आप वाकई पागल हैं। अरे प्रोफेसर साहब आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना, ये आपका मुलाजिम अंदर इतला ही नहीं कर रहा। जवाहिर इंसान तुम्हें पता ही ये कौन है? प्रोफेसर शमीम है, आप उसको छोड़ दिए आप मेरे साथ अंदर। देखिये हर पौधे की एक तारीख होती है, उसकी एक उम्र होती है, वो कब उगा और किस इलाके में सबसे पहले उगा। इस पौधे के बारे में तो मुझे पता है कि इसकी क्या तारीख है। गुड,
तो कुछ बताइए ना मुझे प्लांट के बारे में। हाँ तो मैं आपको बताती हूँ इस पौधे के बारे में। देखें इसकी तारीख ये है कि ये उगा पास वाली जो नर्सरी है ना वहां पे इसको उगाया गया है, और इसके अम्मी अबू जो पौधा थे उनका मुझे नहीं नाम आता, लेकिन हाँ ये मैं आपको बता सकती हूँ कि इसकी तारीख है 26 तारीख यानी कि आज। देखें आप सही तरीके से मेरा मतलब नहीं समझी मिस्टर ज़ुल्फ़िकार। प्रोफेसर साहब वैसे बाजी को बात वैसे ही देर से समझ में आती है, और जब समझ में आती है तो पानी सर से गुजर चुका होता है। सनफ्लावर क्या कहना चाह रहे हो तुम? प्रोफेसर साहब आप हमें इस पौधे के बारे में बताइए। जी ये पौधा जो है ये असल में ये जो सहराई इलाके ठीक है जी, तो मैं कल जब आऊंगा तो आपके लिए एक इंडोर प्लांट लेकर आऊंगा, उम्मीद है कि आपको वो बहुत पसंद आएगा। जी थैंक यू वेरी मच। आइए प्रोफेसर मैं आपको पता है प्रोफेसर जमीन जो है ना वो इतनी अच्छी बातें करते हैं, जो भी उनकी बातें सुनता है उनके शहर में जो है वो डूब जाता है। पता है प्रोफेसर जमीन जो है ना उनके पास प्लांट्स के बारे में इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है कि दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। ये तुम कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस नहीं होगी, क्या नाम है इनका ये प्रोफेसर शमीम? नहीं मैं इम्प्रेस नहीं हुई उनसे बिल्कुल भी, असल में बातें इतनी अच्छी करते हैं। तुम्हें पता है मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त पौधों की और फूलों की और दरख्तों की और फूलों की बातें करती रहूं, और तुम्हें पता है शमीम जो है ना वो मेरा मतलब है कि प्रोफेसर शमीम से जब से मैं मिली हूँ ना मुझे तो लगता है जैसे मैं बॉटनी की दीवानी हो गई हूँ। बॉटनी की दीवानी हुई हो ना, कहीं उस प्रोफेसर शमीम की दीवानी तो नहीं हो गई? अच्छा जुल्फी मैं ये कह रही थी कि आज ऑफिस जाते साथ ही ना प्लीज गाड़ी जो है वो जल्दी से वापस भेज देना, क्योंकि मैंने मामा की बुटीक से जाके कपड़े उठाने और वो ना एक दो मैंने खाने पीने की मजे मजे की चीजें लेनी और फ्लावर्स लेके ना शमीम के आने से, मेरा मतलब है प्रोफेसर शमीम के आने से पहले पहले घर वापस आना। आज तो मैं दफ्तर जा ही नहीं रहा और गाड़ी सारा दिन घर पे होगी तो इसलिए कोई मसला